Dear students of 9th class, today we will discuss one of the topic of the same chapter, polynomials, for the class 9th. Before we will discuss the topic, dear students, subscribe my channel ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियोस शेयर कर लेना ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो सके। नाउ वी विल डिस्कस और टॉपिक जो आज का टॉपिक है दैट इज फैक्टर क्या है उसका स्टेटमेंट है ओनली स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ हमें उसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट इज लाइक दिस इफ एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल अगर हमारे पास एक गिवन पॉलीनोमियल होगा से पी एक्स हमने गिवन पॉलीनोमियल ले लिया आप डिग्री उसकी एन होगी एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन एंड ए भी एनी रियल नंबर अगर ए कोई रियल नंबर होगा तब जाके क्या होगा स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट पार्ट इज एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर एक्स माइनस दैट रियल नंबर बिकम्स फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो या पी ऑफ ए अगर जीरो होगा पी ऑफ ए जीरो होगा इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स दोनों तरीकों से इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर ध्यान में गिवन पी एक्स इज ए पॉलीनोमियल ए भी एनी रियल नंबर पॉलीनोमियल का डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू वन होना चाहिए एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो पी ए इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ए जीरो होगा जबकि एक्स माइनस ए फैक्टर होगा किसका पी एक्स का एक एग्जाम्पल हम एक एप्लीकेशन हम इसका देख लेंगे यहां पे एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉलीनोमियल लेंगे हम एक पॉलीनोमियल यहां पे लेंगे से पी एक्स इज इक्वल टू टेकिंग पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हम लेंगे से टू एक्स स्क्वायर दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री ये हम एक गिवन पॉलीनोमियल लेंगे एंड रियल नंबर हम लेंगे से 2 हम रियल नंबर लेंगे सी है पी एक्स इज पॉलीनोमियल टेकिंग 2 एज रियल नंबर नाउ वी विल सी हियर पी ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा पी ऑफ 2 इट इज इक्वल टू चलो माइनस 2 लेंगे बिकॉज ऑल आर दिस पॉजिटिव माइनस 2 हम लेंगे पी ऑफ माइनस 2 बिकम्स हियर 2 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस थ्री नाउ सी इट इज टू इंटू माइनस स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया इट बिकम्स टू इंटू फोर फोर प्लस सॉरी इट बिकम्स माइनस 14 प्लस थ्री इतना आ गया टू इंटू फोर दैट इज 8 माइनस 14 प्लस थ्री 8 प्लस थ्री 11 माइनस 14 ये जीरो के बराबर इट इज नॉट इक्वल इट इज इक्वल टू 14 दैट इज माइनस थ्री दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो ये हमारे पास जीरो नहीं आया इसने ये ना ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की है नाउ सी हियर इफ वी टेक पी इज इक्वल टू माइनस थ्री अगर हम लेंगे रियल नंबर माइनस थ्री नाउ सी हियर पी ऑफ माइनस थ्री देख लें क्या होगा इट इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री नाउ सी हियर इट इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर इज नाइन नाइन इंटू टू दैट इज 18 प्लस थ्री ये थ्री सेवन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस थ्री दैट इज 21 माइनस 21 इट इज इक्वल टू जीरो सी हियर डियर स्टूडेंट्स वी हैव हियर A polynomial px is equal to 2x square plus 7x plus 3. And हमने real number minus 2 लिया था उस केस में p of minus 2 0 नहीं मिला यहां पे हमारे पास अब हमने minus 3 ले लिया है real number. We get here p of minus 3 that is equal to 0.
If we get P of A equal to 0, then X minus A, A क्या है हमारे पास माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री, तब जाके ये आपके पास X माइनस A बिकम्स द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। यहां पे पॉलीनोमियल ये था, इसका मतलब ये जो X प्लस थ्री है इट इज फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर किसका होगा, ये इस 2x² प्लस 7x प्लस 3 का फैक्टर होगा, यही फैक्टर थ्योरम है। या x प्लस 3 फैक्टर है इसका, तब जाके हमारे पास p ऑफ x प्लस 3, तब जाके p ऑफ माइनस 3 हमें 0 मिलना चाहिए, p ऑफ माइनस 3 0 होना चाहिए। अब हम इसको रिवाइज कर लेंगे इस स्टेटमेंट को, इफ p ऑफ x से पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड एनी रियल नंबर, पॉलीनोमियल होगा एनी रियल नंबर। अब स्टेटमेंट का मेन जैसा क्या, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहां p ऑफ a अगर 0 होगा, p ऑफ a इज 0 इफ x माइनस a इज फैक्टर, रिमेंबर दिस। This is the statement of factor theorem without proof and this is the example। यहां पे हमारे पास p of minus 2 0 के बराबर नहीं मिला, इसका मतलब हमारे पास x minus 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 plus 2 ये इस polynomial का factor नहीं होगा, क्योंकि यहां पे p of minus 2 0 के बराबर नहीं है। जब फैक्टर होगा p ऑफ a 0 होगा, जब फैक्टर नहीं होगा p ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।